पार्टी के नेता श्री संजय सिंह को सभापति द्वारा नामित किया गया है, यह भी नेम्ड, और बाद में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए और सदन द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव पर उन्हें वर्तमान सत्र के शेष समय के लिए सदन की सेवाओं से निलंबित कर दिया गया। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार निलंबित सदस्य तुरंत परिषद के परिसर से हट जाते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि श्री संजय सिंह अभी भी सदन में मौजूद हैं, मैं उनसे तुरंत सदन से हटने का आग्रह करता हूं ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। प्लीज, कोई पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बार बार इनसे ये कह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा विषय मणिपुर पे चर्चा को लेकर के था और विपक्ष ने अनुरोध किया था कि आप मणिपुर की चर्चा को स्वीकार कर लीजिएगा, सत्र चलेगा। हमने मणिपुर की चर्चा स्वीकार कर ली। अब वो कभी उसका कहते हैं प्रधानमंत्री जी सदन में आए, कभी कुछ और कहते हैं। तो हमारे जो सांसद हैं वो कहते हैं भी मणिपुर की चर्चा हो, ओके, लेकिन बंगाल में क्या हुआ वो तो पॉलिटिकल हिंसा थी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान में क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा तो मणिपुर की होगी, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इन टोटलिटी चर्चा करने में इनको आपत्ति क्या है, ये विषय सर। लेकिन जो बार बार प्रधानमंत्री की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ही आकर के बयान दे तो फिर इस तरह से रास्ता। प्रधानमंत्री जी ने बताया ना, यहाँ आकर के बात की है ना, उन्होंने सबको कहा है, मुख्यमंत्रियों जी से भी अपील की है कि भाई कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखें। सर, गहलोत सरकार पर गहरा सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस वहां पर जो कांग्रेस के इंचार्ज है सुखविंदर सिंह रंधावा, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, जितने भी पोल पाउंड स्टेट हैं उसमें वो फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहे हैं और वो चूंकि हार का डर है उनको। पता नहीं वो किस रूप में बोल रहे हैं जी। राजस्थान में कोई भी सुरक्षित नहीं है, दलित, महिला, इवन कांग्रेस के एमएलए, इवन अब तो कांग्रेस का एक मंत्री है वो भी कह रहा मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। ऐसी हालात में वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? राजस्थान में कांग्रेस का सफाया होने वाला है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। हमारे एक महत्वपूर्ण साथी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में राज्यसभा के भीतर बहस करने की मांग पर भी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर सच की आवाज उठाते हुए संजय सिंह सस्पेंड भी होंगे तो हमें कोई दुख नहीं। आपको लगता है कि फिर से इस पे आप लोग अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से? आप संजय जी उसको देखेंगे, हमारे लीगल विंग के लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। बाकी जो कुछ भी उनका बचा है आगे तो बचेगा भी नहीं।